ओके जी, वेलकम टू सी शार्प। और इस सेशन पर हम एरे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एरे क्या है। जिस तरह से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे की डेफिनेशन और वर्किंग है, बिल्कुल उसी तरह से सी शार्प के अंदर भी एरे की डेफिनेशन है। यानी आप किस तरह से एक डेटा टाइप्स वैल्यू के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को आप स्टोर करवाते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझते हैं कि आपने अभी तक जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर वैल्यू को डिस्कस किया है, वो इस तरह से किया है कि आप एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं और फिर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन एरे हमें ये तरतीब देता है कि आप एक सीक्वेंस यानी सेम डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकें, ठीक है। यानी एक लीनियर फॉर्म होगा आपके पास डेटा का, जो एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने की कैपेबिलिटी आपको देगा। तो एक ऐसी वैल्यू या वेरिएबल जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यू को इन फॉर्म ऑफ होमोजीनियस सिक्वेंस स्टोर करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे इनिशलाइज़ करने का डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। उनमें से पहला तरीका हमारे पास क्या है कि आप जिस डेटा टाइप्स के एरे को इनिशलाइज़ या डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसके डेटा टाइप्स लिखने के बाद आप लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसके बाद आप अपने एरे का नाम, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या किया, एरे को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह आप एरे को डिफ़ाइन प्लस इनिशलाइज उसकी वैल्यू बताते हैं, तो ए डबल आर इक्वल टू न्यू एंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड टर्मिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एरे का नाम चेंज करूंगा, तो मैंने एक एरे का नाम ए डबल आर रखा है, तो दूसरे का नाम क्या रख दिया मैंने, ए डबल आर वन। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एरे का बनाया है न्यू कीवर्ड के साथ, कि एक्चुअली हमारे एरे का नाम है इंटीजर, आई मीन एरे वन, और वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर आप बताओगे साइज कि आप अपने एरे में कितनी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हो, तो मैंने कहा 5। अब मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो 5 नंबर्स बताऊंगा, तो 1, 2, 3 और दिस नंबर या फिर दिस, तो टोटल मैंने कितने नंबर्स लिखे हैं इसमें, 5, ठीक है। ये पांचों नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह एक और मेथड हमारे पास इनिशियलाइजेशन और डिफाइन करने का ये है कि आप यहाँ पर वैल्यू ना लिखें, लेकिन आप अपनी मर्जी से जितनी वैल्यूज जो रिक्वायर्ड है आपको, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने वहाँ 5 लिखा था, यहाँ मैंने कोई भी नहीं लिखा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं यहाँ पर कोई भी नंबर्स स्टोर करवा सकता हूँ एज लाइक दिस, ठीक है। तो ये थर्ड वे हो गया कि आप किस तरह से डिफाइन और इनिशलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सिर्फ डिफाइन करना चाहते हैं, वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप एरे का नाम लिखें, उसके बाद न्यू इंट और यहाँ पर साइज डिफाइन कर दें एज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ और उस एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका साइज क्या है, 10 है और एरे का नाम है ए डबल आर 3, ठीक है। जब मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख कर यानी वैल्यू बता सकता हूँ, तो बगैर लिखे भी बता सकता हूँ। तो फिफ्थ वे हमारा क्या हो जाएगा कि मैं एक एरे बनाऊँ, उसका नाम भी डिफाइन करूँ, लेकिन ये ना बताऊँ कि उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी। तो ये इंटरनली जब इसमें वैल्यू इनिशलाइज की जाएगी, तो वो ये यहाँ पर बताया जा सकता है कि ये कितनी वैल्यू होगी। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल के फॉर्म पर मैंने इनिशलाइज कर दिया, यानी यूज़र से एक नंबर लिया, मैंने कहा कि आप एरे कितने नंबर्स पर बनाना चाहते हो, उसने कोई नंबर बताया और उस नंबर के वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये तमाम जो पैटर्न थे वो वन डायमेंशनल एरे यानी एक फॉर्मेट के डेटा को जहाँ पर फ्लो हो रहा होता है, उसका ये तरीका है कि आप उसे किस तरह से डिफाइन या फिर इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वन डायमेंशनल एरे एक्चुअली किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होता है। तो मैं इस वक्त यहाँ से एन हटा देता हूँ और इस एक्सेल की शीट पे हम नंबर ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये 1D यानी वन डायमेंशनल एरे, जो कि फर्स्ट टाइप है हमारे एरे का, इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि ये एरे की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी 12, 32, 78, 65 एंड 21। तो आप 5 वैल्यूज़ यहाँ पर देख रहे हो जो कि एरे पर एक स्टोर है। अब यहाँ पर इसे किस तरह से रीड करवाया जाएगा, यानी किस जगह पर कौन सी वैल्यू इसके स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो है 12, और इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो 12 0 इंडेक्स पर मौजूद है, फिर 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से ये फ्लो लेफ्ट टू राइट चलता रहेगा जो भी आपने साइज डिफाइन किया होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू हो, इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन, ये इसी तरह से डेटा का फ्लो चलता रहे। फिर जब हम आगे जाएंगे तो 2 डायमेंशनल एरे को भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जैक्ड एरे,
जैक्ड एरे से मुराद ये है कि एक एरे के एक एलिमेंट में दोबारा से एक एरे आ जाए, यानी आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि नेस्टेड एरे। ठीक है, अभी हमने एक एरे के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे हैं। ठीक है, और अगर मैं 2D की बात करूँ तो इसके अंदर आप देख रहे हो टू डायमेंशनल फॉर्म है, यानी एक्स एक्सिस पे भी ये वैल्यू है और वाई एक्सिस पे भी है। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे को देखते हैं, फिर अपकमिंग सेशन के अंदर हम 2D और इसी तरह जैक्ड एरे को भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से वन डायमेंशनल एरे को फॉर्म कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू किस तरह से फीड करवाई जाती है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि एक एरे है जिसका नाम ARR3 है और इसका साइज़ है 10। ठीक है, तो 10 का मतलब ये हुआ कि इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से और एंड होगी 9th पर। तो 0 टू 9th अगर हम काउंट करें तो ये 10 नंबर्स के एलिमेंट हो गए, ये इसकी इंडेक्सिंग है। अब इसमें वैल्यू सबसे पहले ऐड करवाने का तरीका है कि आप सबसे पहले एरे का नाम लिखते हैं, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और उसके अंदर आप इंडेक्स नंबर लिखेंगे कि आप किस इंडेक्स नंबर पर अपनी वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा 0 इंडेक्स नंबर पर आप एक वैल्यू स्टोर करवाओ जिसका नाम 12 है, ठीक है, यानी नंबर 12 है। इसी तरह मैंने इस इंडेक्स को कॉपी किया, मैंने कहा 1 पे ये कराओ, फिर कॉपी किया और ये मैंने कह दिया 2 पर ये कराओ। तो तीन यहां पर मैंने इंडेक्स नंबर यूज किए हैं एरे 3 के लिए और तीनों में 3 न्यू नंबर्स मैंने स्टोर करवा दिए हैं। अब अगर मैं अपने एरे को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं पूरे एरे के सीक्वेंस को प्रिंट नहीं करवा सकता। ठीक है, इसके लिए मुझे एक लूपिंग की ज़रूरत होगी जिसके मैं हर एक इंडेक्स नंबर को रीड कर पाऊँ और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर पाऊँ। लेकिन इस वक्त मैंने अभी सिर्फ 3 इंडेक्स की वैल्यू बताई है एरे 3 के अंदर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ या तो इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट करवा सकता हूँ या 2 को या फिर 1 को करवा सकता हूँ। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा ARR3 ऑफ इंडेक्स नंबर 0। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कौन सी होगी, 12 होगी। ठीक है, लेट्स सी, और आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये तो सबसे पहला एक तरीका था कि इंडेक्स नंबर क्या है और हम किस तरह से अपने सिलेक्टेड इंडेक्स नंबर पर वैल्यू को सेव करवाते हैं या इंसर्ट करवाते हैं और उसके बाद उसे हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मैथड है और इसके ज़रिए आप देख रहे हो कि आपने अपनी जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी है उसके अंदर एक एक इंडेक्स पर वैल्यू डालना है और उसके बाद रीड करवाना है। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हुई हुई है जैसे कि आप एरे 2 पे देख रहे हो तो मुझे दोबारा एरे फीड करवाने की ज़रूरत नहीं है, वगरना वो दोबारा वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो हम करवा सकते हैं। तो अगर मैं एरे 2 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ AR2, इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज़ मौजूद हैं और इंडेक्स नंबर 0 पर 1 मौजूद है। तो लेट्स सी, आप देख रहे हो 1 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है 12 के बाद, इसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी एरे 2 के अंदर और वही वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। लिहाजा अब हम ये समझना चाहते हैं कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर ये जो एरे 3 है इसके अंदर मुझे एक लूपिंग के थ्रू तमाम वैल्यू इंसर्ट करवानी है और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए हम सबसे पहले फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर की वैल्यू i0 है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ, तो लेंथ का मतलब है एरे 3 की जो भी लेंथ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा AR3.length, ठीक है, जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसकी लेंथ है। ठीक है, जब यहाँ पर एरे 3.length का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं एक्चुअली 10 लिखना चाह रहा हूँ और यही उसकी लेंथ है ना भाई एरे 3 की, यही क्वांटिटी है। तो 0 टू 9 का मतलब है 10, तो बिल्कुल सही है, हमारी लूपिंग सही चल रही है। अब मुझे इसमें एरे के अंदर वैल्यू को क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा AR3 स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज i इक्वल साइन, ठीक है, कन्वर्ट टू इंट 32, ठीक है, क्योंकि मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, कॉन्सोल डॉट रीड लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज टर्मिनेट एंटर कॉन्सोल डॉट राइट लाइन AR ऑफ i, दैट्स इट। तो मैंने लूपिंग के थ्रू ये बताया कि बल्कि हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाते हैं बल्कि सिर्फ लूप की वैल्यू सेव करवा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो लूपिंग के थ्रू मैंने ये बताया कि एरे 3 की जितनी लेंथ है उसके हर एक इंडेक्स में यूज़र से एक नंबर लो और उसमें स्टोर करवाते रहो। जब वो स्टोर हो जाएगी तो यकीनी तौर पर अभी मैंने डिस्प्ले उसे नहीं करवाना है, डिस्प्ले के लिए हम दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इस कोड को अभी हम कमेंट करते हैं
कमेंट करने का एक तरीका ये है कि आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आएँ, ठीक है, कमेंट आउट द सेलेक्टेड लाइन और ये कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल F5 करता हूँ, ठीक है, वैल्यू 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। आप देख लो 10th वैल्यू उसने ली और उसके बाद 10th वैल्यू उसमें स्टोर हो चुकी है अपनी पावर पे। जब मैंने लूप हमने स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था, तो लूप के अंदर मैंने एक लूप को वहाँ पर छोड़ दिया था जिसका नाम था फॉर ईच लूप, और मैंने कहा था कि फॉर ईच का लूप का जो इस्तेमाल है वो एरे की वैल्यू को ट्रैवर्स करना या उसे रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसे डिस्प्ले करवाया जा सके। लिहाजा इसके लिए मैंने फॉर ईच लिखा, 2 times टैप प्रेस किया। जैसे मैंने कहा था कि वेरिएबल ये एक कीवर्ड है जिसके ज़रिए से आप एक वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं। वार यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो सेव होने वाला डेटा टाइप्स की जो भी कोई वैल्यू है वो अंडरस्टूड अगर हमें नहीं है कि आने वाली वैल्यू जो इसमें स्टोर होगी वो किस डेटा टाइप की होगी, तो इसके लिए हम वार कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने वार की जगह इंटीजर लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी है कि आइटम की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक के मुताबिक मैंने ये डिफरेंस बताया वार में कि वार के अंदर जो वार डेटा टाइप्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो अंडरस्टूड नहीं होती, जो भी डेटा टाइप होगी वो उसे स्टोर कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनिशियलाइज करा दिया इंटीजर से तो इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल उसमें नहीं। लिहाजा अब कलेक्शन की जगह पर मुझे अपने एरे का नाम लिखना है, तो मैंने एरे का नाम लिख दिया ERR3 कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया आइटम्स, ठीक है, और जूम आउट करते हैं और अब यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली आइटम की वैल्यू किस तरह से और कैसे डिस्प्ले होगी, ठीक है। हम इसे कमिट करते हैं, बल्कि हम पहले क्या करेंगे, वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करवाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया आप देख रहे हो फॉर ईच के ज़रिए से क्या हुआ, उसके जितने भी इंडेक्स नंबर थे बिल्कुल उसी फॉर्म से फॉर ईच के थ्रू क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। तो मैंने आइटम पे कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं बताया। अगर मैं यही काम फॉर के ज़रिए से करता तो मुझे हर एक आइट के साथ यहाँ पर इंडेक्स नंबर बताना होता, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि आइटम के साथ मैंने कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं बताया, बल्कि फॉर ईच खुद इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि एरे ERR3 जो है वो एक एरे है या कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इंडेक्स नंबर के बिहाफ पर होगी। लिहाजा हर एक आइट्रेशन से इसमें एक वैल्यू उठकर इसमें आती है और उसके बाद वो इसमें सेव होती है, सेव होने के बाद डिस्प्ले होती है, फिर दूसरी इंडेक्स की वैल्यू, फिर डिस्प्ले, तीसरे इंडेक्स की वैल्यू, फिर डिस्प्ले एंड सो ऑन। तो इस सेशन पर हमने सबसे पहले एरे को समझा, एरे क्या है, वन डायमेंशनल एरे किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। फॉर लूप के ज़रिए से हमने उसमें वैल्यू सेव करवाया, ठीक है, और सेव करवाने के बाद हमने क्या किया, फॉर ईच के ज़रिए से उसे डिस्प्ले करवाया और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि फॉर ईच का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है।